नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में प्रोटीन रिवोल्यूशन की। एक्चुअली जब हम देश में कृषि को देखते हैं तो सबका ध्यान लगता है कि जो फसल उत्पादन है वही पूरा कृषि क्षेत्र है, जबकि कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पोल्ट्री और डेयरी से आ रहा है, जिसे हम कहें सही मायने में कि देश में एक प्रोटीन रिवोल्यूशन जिसकी हम बात करें, जो कि भोजन के साथ में जब हमें जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, तो जहाँ तक जो शाकाहारी लोग हैं उनको जरूरत होती है दालों की, दूध और उससे बने उत्पादों की, लेकिन जो लोग शाकाहारी नहीं है उनके लिए प्रोटीन के दूसरे विकल्प भी हैं, जिसमें आपका मीट है और पोल्ट्री है, फिशरीज है। सो ये किस तरीके से देश में इनका हिस्सा, पूरी जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर और उसके सहयोग क्षेत्रों के, उसमें तेजी से बढ़ रहा है, इसमें आज हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार देश में जो संगठित रूप ले रहा है पिछले करीब 20 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, और पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ पोल्ट्री फार्म्स, उनके टेक्नोलॉजी और उनके जो इंटीग्रेटर हैं, वहाँ पर जमीन पर जाकर के इस बदलाव को महसूस किया है, और उससे जो नतीजा निकलता है उसमें यह है कि हर सप्ताह जो पोल्ट्री फार्म है, जिसमें एक तो एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड जिन्हें हम कहते हैं, जो पूरा जिनका संचालन पूरा कंप्यूटर के जरिए होता है, और कुछ उसमें सेमी एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड है उनको सेमी इसी फार्म बोलते हैं, और ओपन फार्म बोलते हैं जहाँ पर सारा कुछ उस तरीके से कंट्रोल नहीं होता लेकिन मैनुअल मैनेजमेंट और मशीनों के जरिए काम होता है। ये जो फार्म है उनमें हर सप्ताह 14 करोड़ DOC, जिसे हम कहते हैं डे ओल्ड चिक, का प्लेसमेंट हो रहा है इस वक्त देश में। करीब 5 से 10 के बीच में बड़ी कंपनियां हैं देश में जो पोल्ट्री फार्मिंग के सबसे बड़े इंटीग्रेटर के रूप में सामने आ रही हैं। उसमें 2 बड़ी कंपनियां, जिसमें एक IB ग्रुप की ABIS कंपनी जो है वो, और सुगुना, वो करीब 1 से 1.1 करोड़ DOC। सर, DOC का मतलब है डे ओल्ड चिक, यानी वो चूजे जो एक दिन पहले ही अंडे से बाहर आए हैं उनको फार्म में प्लेस किया जाता है, और इन फार्म की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ओपन फार्म की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जो EC फार्म है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए चल रहे हैं उनमें करीब आप 7-8 हज़ार से या 9 हज़ार से लेकर के 15 हज़ार तक या 13 हज़ार का फॉर्म होता है, उस तरीके का फार्म जो है विकसित कर सकते हैं। सो ये जो फार्म है उसमें जब DOC जाता है उसको करीब 35 से 40 दिन रखा जाता है, और उस वक्त उसका वजन जो है वो 2 किलो से ज़्यादा हो जाता है। 2 किलो से ज़्यादा होने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके के जो फार्म साल में 6 साइकिल निकालते हैं, क्योंकि एक साइकिल के बाद करीब 15 दिन का कूलिंग पीरियड होता है जिसमें फार्म की साफ सफाई होती है। इसी तरीके के कुछ फार्म हमने राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों विजिट किए, और उनके जरिए हमने जानने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ये फार्मिंग होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टेक्नोलॉजी ने इसको संभव किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर जेनेटिक्स, उनका मैनेजमेंट, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे मैं कहूँ वो भी इसमें आ गया है, कि किस तरीके से ऐप के जरिए जो इंटीग्रेटर कंपनी है वो जिस दिन फार्म में DOC को प्लेस करती है उसके बाद लगातार उसका डाटा उसके पास आता है, फीड भी कंपनी सप्लाई करती है, चूजे भी कंपनी सप्लाई करती है, और जब तैयार हो जाते हैं उसको कंपनी वापस ले देती है। जो किसान है उसको GC जिसे हम बोलते हैं ग्रोइंग चार्जेस मिलते हैं, जो इसी फार्म है उसके लिए 10 रुपये किलो का बेसिक रेट होता है, और जो ओपन फार्म है उसके लिए 8 रुपये का बेसिक, 7 से 8 रुपये का बेसिक का रेट होता है। उसके ऊपर इनको ग्रो करने में, जो ब्रॉयलर है उसको ग्रो करने में आपका किस तरीके का मैनेजमेंट रहा, मॉर्टेलिटी रेट क्या रहा, फीड टू कन्वर्जन रेशो क्या है, कि यानी कितना फीड लेने पर आपके जो बर्ड्स हैं उनका वजन
कितना एफिशिएंटली बढ़ा, वो एक होता है। और फिर जब ये ब्रॉयलर मार्केट में जाते हैं उस वक्त कैसा दाम मिला, ये चीजें फिर आपको इंसेंटिव के रूप में मिलती है। तो हमने ऐसे किसानों को से बात की जिनको, जिसमें एक रघुवेंद्र वर्मा थे जिनको देवकट्टा गांव के, उनको जो है 17 रुपए तक का पर केजी का रेट मिला। और आप समझ सकते हैं कि उनके पास दो फार्म है, एक 9000 की कैपेसिटी का, एक 11000 की कैपेसिटी का। तो इस तरीके के आईवी ग्रुप के पास ही करीब 30,000 फार्मर देश भर में हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में किसान इस उद्योग के साथ जुड़ गए हैं। और अगर हम लगाएं कि जो 14 करोड़ DOC हर सप्ताह प्लेस होते हैं, वो अगर साल भर में उनका 52 सप्ताह में हम देखते हैं जाकर के नंबर, और जो साइकिल ये फार्म निकालते हैं उसमें आज देश में करीब करीब जब इनकी बिक्री होती है, अगर हम एक औसत रेट 200 रुपया किलो का लेते हैं चिकन का, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा सिर्फ ब्रॉयलर फार्मिंग का बिजनेस देश में खड़ा हो गया है। और ये संभव हुआ है इंटीग्रेटर के जरिए, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बताया आपको आईबी ग्रुप की एबिस कंपनी है, या सुगुना है, वेंकटेश्वर हैचरीज है, बारामती है, और कुछ और दूसरे प्लेयर हैं जो इनसे थोड़े छोटे हैं। तो ये साथ में ये भी है कि अब इसमें एक मैं अगर देखूं कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो लगभग 90% हो गया, यानी जब DOC को सप्लाई करने से लेके जो फीड है वो भी यही कंपनियां देती हैं, वेटरनरी सर्विसेज यानी जो चिकित्सक वहां पर देखभाल करते हैं वो सर्विसेज भी यही देते हैं, गाइडेंस फार्मर को पूरा यही कंपनियां देती हैं, ऐप के ऊपर उनका अलग अलग समय पर जो वेट है या जो फार्म की स्थिति है उसका डाटा अपलोड होता है, और फिर जो बायर है जो खरीदते हैं ब्रॉयलर को उनका भी एक डाटा बैंक इन कंपनियों के पास है, खासतौर से आईवी ग्रुप का जो मैंने समझा, वहाँ पर उनके आसपास के फार्म में बताया जाता है कि कहाँ पर तैयार ब्रॉयलर है जहाँ पर वो खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ही उनको पता लगता है, वो ले जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है जिसे हम DOC कहें, और उसके खाने पीने का और उसके बाकी जो सर्विसेज हैं वो सारा जिम्मा इंटीग्रेटर उठाता है। उसके साथ ही जो है जब बिक्री करने की बात आती है मार्केटिंग का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। तो जो फार्मर है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, और एक तरीके से ये लगभग सबसे कामयाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में ये पोल्ट्री फार्मिंग का जो धंधा है वो किसानों के लिए निकल के आया है, उसको इसकी चिंता नहीं होती। और उसमें जो निवेश, लेकिन ये बड़ी बात है कि भले ही जमीन की कम जरूरत हो लेकिन निवेश बड़ा होता है। आपको एक शेड बनाने के लिए 30 लाख से लेकर 40 लाख तक का निवेश करना होता है, हालांकि कुछ बैंक्स उसमें कंसेशनल क्रेडिट भी देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपना फार्म विकसित करते हैं। लेकिन ये जो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन देश में आ रहा है, और अब इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का भी काम हो रहा है। जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूँ, ज़्यादातर जो इंटीग्रेटर कंपनियाँ हैं उनके पास अपने फीड फॉर्म है, अपना ग्राउंड स्टाफ है, यानी कि जो मटेरियल सप्लाई करते हैं ज़्यादातर खुद का करते हैं। और इसके साथ ही अब इसका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है कुछ धीरे धीरे हो भी रहा है कि जहाँ पर रेडी टू ईट जो चिकन्स हैं ड्रेस्ड स्किन क्लीन और सारा कुछ जो है वो आपको मिलने की काफ़ी सारा मार्केट में डेवलप हो गया, और ये मार्केट के तेजी से बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो 8वें दशक के मध्य में जो डेयरी इंडस्ट्री थी, जब तक आपको दूध जो है टोकन से लेना पड़ता था, ये पाउच और उसके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, घी को घर में छोड़ दो, मक्खन को, बाकी आज जो हम देख रहे हैं दही है, लस्सी है, छाछ है, या आपका आइसक्रीम है, और बहुत सारे तमाम सारे उत्पाद जो आज अवेलेबल हैं वैल्यू एडिशन के रूप में, वो उस वक्त नहीं थे। आज जो पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री है वो जहाँ डेयरी इंडस्ट्री 8वें दशक के मध्य में थी वहाँ पर है, लेकिन जो बड़े ग्रुप हैं वो तेजी से इसको एक मॉडर्न इंडस्ट्री के रूप में, जैसे कि मेरी बात हुई आईबी ग्रुप के डायरेक्टर जो है अफरीन आलम से, उन्होंने बताया कि हम 2 प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, एक आपका महाराष्ट्र में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर हम ये प्रोसेसिंग करके इनको मार्केट में बेचेंगे। यानी एक वैल्यू चेन का जो अगला दौर आएगा वो इस इंडस्ट्री को और ऊपर लेकर के जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जैसा मैंने बताया कि जो प्रोटीन रिवॉल्यूशन देश में हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और जो एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा
इनकम के रूप में वहां से आ रहा है। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि जो फसल से कमाई है किसानों की, उसके मुकाबले इस तरीके जो सहयोगी क्षेत्र से जो आने वाली आमदनी है, वो डेयरी हो, पोल्ट्री हो और बाकी और उस तरीके के रास्ते खुलने वाले हैं, फिशरीज है, वहां से तेजी से उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, खासतौर से ये सब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो मुख्य रास्ता है वो आने वाले दिनों में यहीं से आएगा। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय पर आपसे बात करने के लिए। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित ताज़ा खबरें, विश्लेषण, ट्रेड से रिलेटेड जानकारी और टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट्स ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in english में उनको सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको ये जानकारी मिलेगी। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।